बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ऑरेंज मार्बल केक। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हैं, एक माल्टा लें और उसको छील, उसको काट के उसके बीज अच्छी तरह निकाल के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। दो अंडे, आधा कप चीनी और आधा कप ऑयल। इसको ग्राइंडर में डाल लें और दो अंडे भी डाल लें। इसमें चीनी को पीसने की ज़रूरत नहीं है, ये भी डाल लें। ऑयल भी डाल, और इनको दो मिनट के लिए ये मिक्स कर। अब सांचे में नीचे ये बटर पेपर लगा लें, ऑयल लगा के बटर पेपर लगा लें, और देगची जो है जिसमें आपने देगची जो है उसको हल्का चूल्हा जला के तो गर्म होने के लिए रख दें। अब ये देखें, सारी चीज़ें होंगी प्लान, और ये इनको बाउल में डाल दें। डेढ़ कप मैदा लेना है आपने, टू टीस्पून बेकिंग पाउडर डालें, अब इसमें मैदा छान लें, आधा दो स्टेप में छान। मैदे को छान कर डाल दें। अब इसको अच्छी तरह मिला लें एक ही डायरेक्शन में। अच्छी तरह मिला के इसमें अब एक लदा कटोरी में एक चम्मच कोको पाउडर डालें और इसमें थोड़ा सा केक का बैटर डाल दें। तो अच्छी तरह मिक्स कर लें दो पाउडर में। ये सांचे में
सांचे में पहले ही ये डाले हैं, केक का बेटू जो दादा वाला को पहले डाले। उसके बाद ये कोको पाउडर वाला डालें, फिर ये वाला डालें, उसके बाद ये डाल दें इस तरीके से। देखिए हमने 10 मिनट पहले रखा था गर्म होने के लिए, और अब इसके अंदर ये सांचा जो है वो डाल देते हैं। अब ये मिक्सचर में नमक डाल के 10 मिनट इसको गर्म कर लिया, और इसको ऐसे बीच में रख दें, इसको बंद कर। शुरू में इसकी 5 मिनट के लिए इसकी जो आग है वो थोड़ा सी दरमियानी आग रखनी है आपने, और इसके ऊपर ऐसे कपड़ा डाल दें और वेट रख दें, और इसके बाद आपने धीमी आंच रखनी है दम से थोड़ी सी ऊंची, 35 से 40 मिनट तक इंशाल्लाह कि तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। केक को रखे हुए 40 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं हमारा केक पके। माशाल्लाह लग तो रहा है कि पक गया। अब ये देखें छुरी साफ निकल आई है, इसमें कोई निशान नहीं है, इसका मतलब है कि आपका केक ठीक हो गया, और साइडों से भी उसने जगह छोड़ दी है। अब केक को बहुत एहतियात से बाहर निकाल लें, और ठंडा होने का 10-15 मिनट इसको ठंडा होने में, फिर इसको निकाल के दिखाएंगे। फिर नाज़रीन 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम केक को निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए केक तैयार हो गया, इसके ऊपर से बटर पेपर जो है वो उतार लें, ये मज़ेदार केक तैयार हो गया। और इसमें मैंने वनीला एसेंस नहीं डाला, क्योंकि ऑरेंज की अपनी खुशबू जो है बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। ये देखिए हमारा ऑरेंज मार्बल केक, ये आप बनाएं बहुत टेस्टी होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।